उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 18 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया। सरकार ने दावा किया है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और भ्रम को रोकने के लिए है। यूपी सरकार के आदेश में कहा गया है, खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भ्रम पैदा होता है और यह पूरी तरह से कानून मूल इरादे के खिलाफ है। क्या होते हैं हलाल उत्पाद और हलाल सर्टिफिकेट? 1974 में शुरू हुए हलाल प्रमाणिकता का अर्थ है कि किसी भी उत्पाद को इस्लामी कानूनों का पालन करते हुए बनाया गया हो और आमतौर पर मीट और गैर मीट उत्पादों को हलाल प्रमाणिकता मिल सकती है। हम शाकाहारी उत्पादों के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन का अर्थ है कि खाना शुद्ध है और इस्लामी नियमों के अनुसार बनाया गया है। जिस उत्पाद में मरे हुए जानवर या पशु का कोई भी भाग शामिल है, उसे हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता है। शाकाहारी उत्पादों में अक्सर मांस या मीट नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी सभी को हलाल नहीं माना जा सकता है और कुछ शाकाहारी मिठाइयों में अल्कोहलिक तत्व शामिल हो सकते हैं, इसलिए वे हलाल नहीं माने जाते हैं, भले ही वे पहले से सर्टिफाइड क्यों ना हो। गौरतलब है कि हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार 1974 में वध किए गए मांस के लिए शुरू किया गया था। हालांकि इससे पहले हलाल सर्टिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हलाल मांस का मतलब वह मांस है जिसे इस्लामी प्रक्रिया की मदद से हासिल किया जाता है। इसके मुताबिक जानवर को गले की अन्न प्रणाली और गले की नसें काट कर मारा जाता है। हालांकि 1993 में हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे अन्य उत्पादों पर लागू किया गया। हालांकि भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई भी सरकारी संस्था नहीं है और बहुत सी प्राइवेट कंपनियां और संस्थाएं व्यक्तिगत तौर पर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट देती हैं, और इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम ग्राहकों के बीच उनकी पहचान या इस्लामिक देशों से उनकी प्रशंसा पर निर्भर है। भारत में हलाल इंडिया नामक एक कंपनी का अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि वह किसी भी उत्पाद को लैब में टेस्टिंग और कई ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। कतर, यूएई और मलेशिया जैसे इस्लामिक देश हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं। मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट और चेन्नई की हलाल इंडिया भी हलाल सर्टिफिकेट प्रदान करती हैं। दरअसल पिछले मार्च में हिंदू संगठनों ने राज्य में उगाड़ी उत्सव के दौरान हलाल मांस के बहिष्कार का आह्वान किया, जिसे इस मुद्दे पर भी बहस हुई और भाजपा उस समय एक धड़ा विधेयक पारित कर इसे कानूनी रूप से मान्यता देना चाहती थी। रवि कुमार ने इसे एक व्यक्तिगत बिल के रूप में पेश करने का भी विचार किया था, लेकिन सरकारी विधेयक न होने के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका।